नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा, एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपका पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग। यहां आपको मिलेगी आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। सरकार ने पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम से प्रीमेच्योर विड्रॉल नियम में बदलाव कर दिया है। नए नियम के मुताबिक 10 नवंबर और उसके बाद कराई जाने वाली 5 साल की एफडी पर प्रीमेच्योर विड्रॉल की सुविधा नहीं मिलेगी। 4 साल कंप्लीट होने के बाद ही प्रीमेच्योर विड्रॉल किया जा सकेगा। प्रीमेच्योर विड्रॉल पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज मिलेगा, जो एफडी की तुलना में काफ़ी कम होता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 9 नवंबर 2023 से पहले कराई गई एफडी पर पुराने प्रीमेच्योर विड्रॉल नियम लागू होंगे। पुराने नियम के तहत एफडी कराने के 6 महीने बाद प्रीमेच्योर विड्रॉल करने की अनुमति है। अगली खबर भी फिक्स डिपॉजिट से जुड़ी हुई है। बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। नई दरें 2 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए वाली एफडी पर लागू होंगी। बैंक ने छोटी अवधि वाली एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। 46 दिन से लेकर 90 दिन वाली एफडी पर ब्याज दर बढ़ाकर 5.25% की गई है। 91 दिन से लेकर 179 दिनों वाली एफडी पर बैंक अब 6% ब्याज देगा। 180 दिन से लेकर 210 दिन वाली एफडी पर 6.25% ब्याज मिलेगा। 211 दिन से लेकर 1 साल से कम वाली एफडी पर बैंक अब 6.5% और 1 साल वाली एफडी पर 7.25% ब्याज मिलेगा। बचत खाते पर एफडी से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक सेविंग अकाउंट पर 7.5% ब्याज की पेशकश कर रहा है। नई ब्याज दर 1 दिसंबर 2023 से लागू हो चुकी है। सार्वजनिक बैंक सेविंग अकाउंट पर 2.7% से लेकर 4% तक का ब्याज देते हैं। वहीं प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस सेविंग बैंक अकाउंट पर 7.5 यानी 7.5% तक का ब्याज पेशकश कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेविंग और करंट अकाउंट श्रेणी में आकर्षक बेनिफिट के साथ बीओबी परिवार अकाउंट पेश किया है। माई फैमिली माई बैंक सेगमेंट के तहत एक परिवार के सभी सदस्यों के बैंक अकाउंट को वन फैमिली के तहत रखा जाएगा, लेकिन सभी अकाउंट होल्डर अपने अपने अकाउंट को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकेंगे। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस की गणना फैमिली लेवल पर की जाएगी और सभी मेंबर्स को अलग अलग क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं होगी। अन्य बेनिफिट की बात करें तो सेविंग अकाउंट होल्डर्स को रियायती दर पर रिटेल लोन की पेशकश की जाएगी। प्रोसेसिंग फीस, लॉकर रेंट, डीमेट अकाउंट के AMC मैनुअल, NEFT और RTGS, DDPO शुल्क, चेकबुक शुल्क पर भी छूट मिलेगी। इसके अलावा MMS की और साथ में ईमेल अलर्ट की भी सुविधा आपको मिलेगी। HDFC बैंक ने टाटा न्यू के साथ मिलकर 2 नए क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं। इनके नाम टाटा न्यू HDFC बैंक इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड और टाटा न्यू HDFC प्लस क्रेडिट कार्ड है। इन कार्ड पर कैशबैक, ट्रैवल पर्क्स के साथ ही मजबूत सुरक्षा फीचर मिलेंगे। टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड के साथ टाटा ग्रुप फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। इसका लक्ष्य ग्राहकों को आसान और फायदेमंद पेमेंट अनुभव प्रदान करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने की योजना शुरू करने जा रहा है। रोड सेक्रेटरी अनुराग जैन ने बताया है कि अगले 3-4 महीने में इस योजना को पूरे देश में शुरू किया जाएगा। सड़क दुर्घटना के घायल पीड़ितों को फ्री और कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का हिस्सा है। कुछ राज्यों ने इसे लागू कर दिया है, लेकिन अब सड़क मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है। रोड सेफ्टी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जल्द ही शिक्षा मंत्रालय स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में रोड सेफ्टी को शामिल करेगा। देश भर में डाकघरों को सर्विस प्रोवाइडर बनाने और इन्हें बैंकों में बदलने का काम चल रहा है। सरकार ने डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा में पेश किया। यह विधेयक 125 साल पुराने डाकघर कानून में संशोधन करने के लिए लाया गया है। डाकघरों में 3 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं, जिनमें 1,41,000 करोड़ रुपए जमा है। डाकघर निर्यात सुविधा भी शुरू की गई है, जो एक ऐसी सुविधा है जिसमें देश के दूर दराज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने सामान का निर्यात दुनिया में कहीं भी कर सकता है। 867 डाक निर्यात केंद्र खोले गए हैं, जिसमें 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात किया गया है। नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य डाकघरों को सेवा प्रदाता बनाने और डाकखानों को बैंकों में तब्दील करने का है।
भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दर पर यथास्थिति बनाए रख सकते हैं। विशेषज्ञों ने महंगाई के नियंत्रण में होने और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार संतोषजनक होने के आधार पर ही अनुमान जताया है। आरबीआई ने अपनी पिछली 4 बैठकों में नीतिगत रेपो दर को स्थिर रखा है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5% किया था। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ने के कारण मई 2022 में रेपो दर में बढ़ोतरी का दौर शुरू हुआ था, जो फरवरी 2023 तक जारी रहा। अप्रैल 2023 से रेपो दर स्थिर बनी हुई है। जनवरी में नया वाहन खरीदना महंगा होने वाला है, क्योंकि मारुति, टाटा, महिंद्रा और ऑडी के बाद अब होंडा ने भी अपने वाहन महंगा करने की घोषणा कर दी है। होंडा कार्स इंडिया ने कहा है कि उत्पादन लागत बढ़ने के कारण जनवरी से वाहनों के दाम बढ़ाए जाएंगे। होंडा भारत में एलिवेट, सिटी और अमेज मॉडल की बिक्री करती है। होंडा के वाहन कितने महंगे होंगे अभी इस पर कंपनी विचार कर रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम अपना विदेशी कारोबार बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष में गांधीनगर स्थित गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्यालय खोलने की योजना बना रही है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी में स्थित IFSC में LIC की उपस्थिति देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी को अपने वैश्विक कारोबार का विस्तार करने में सक्षम बनाएगी। LIC फिजी, मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम में अपने ब्रांच ऑफिस के जरिए काम करती है। इसके अलावा इसकी जीवन बीमा निगम इंटरनेशनल बहरीन, जीवन बीमा निगम नेपाल लिमिटेड, जीवन बीमा निगम लंका लिमिटेड, बांग्लादेश जीवन बीमा निगम लिमिटेड जैसी सहायक कंपनियां हैं। दिल्ली हवाई अड्डे का संचालन करने वाली कंपनी डायल ने हवाई अड्डे पर खड़े रहने वाले विमानों के लिए एयरलाइंस से ज्यादा फीस वसूलने की योजना बनाई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का कहना है कि उड़ान नहीं भरने वाले ये विमान उपलब्ध पार्किंग स्थान पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे हवाई अड्डे की ओवरऑल ऑपरेशन क्षमता जो है वो प्रभावित होती है। तकनीकी और अन्य कारणों से विमानों के सेवा में नहीं होने के मामले बढ़ रहे हैं। डायल द्वारा संचालित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों के लिए 295 पार्किंग स्लॉट हैं। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहां पर आपको 7 अलग अलग भाषाओं में पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।